जाता है, माँ बेटी से दूर हो जाती है। बेटी देखो, बहुत समझ के समझना बात को, मैं बहुत दूर से बात कर रहा हूं और बहुत करीब लाऊंगा अपनी बात को। सब दूर हो जाते हैं ना, क्यों? छूत की बीमारी है, हमको भी लग जाएगी, फिर समाज खराब होगा, फिर मोहल्ला खराब होगा, फिर लोग खराब होंगे, बचते हैं ना। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब आपने ये तय कर लिया है कि बीमारियां ऐसी होती हैं कि उन बीमारों से परहेज मां बाप होते हुए भी किया जाता है ताकि दूसरों तक ये ट्रांसफर ना हो, तो इस बात को तो आपकी अक्ल ने मान लिया है। तो आत्मा की भी बीमारियां, रूह की भी बीमारियां, जिस तरह जिस्म की बीमारी का इलाज जरूरी है, उसी तरह से रूह की बीमारी का भी इलाज जरूरी है। तो रूह की बीमारी क्या है? अब उन बीमारियों का नाम लूं, जैसे बुखार है, टीबी है, कैंसर है, ये जिस्म की बीमारी। आत्मा की बीमारियों का भी नाम ले लूं। रूह की बीमारी का नाम है झूठ, रूह की बीमारी का नाम है आतंकवाद, रूह की बीमारी का नाम है जुल्म, रूह की बीमारी का नाम है लोगों का हक मारना, रूह की बीमारी का नाम है डकैती, चोरी, बेईमानी, नाइंसाफी, कम तौलना, धोखा देना, ये सब रूह की बीमारियां हैं। तो जिस तरह जिस्म की बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टर होता है, वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और दवा होती है, उसी तरह से रूह की बीमारी का डॉक्टर कौन है? उसी को कहते हैं प्रॉफिट, उसी को कहते हैं पैगंबर, उसी को कहते हैं नबी, उसी को कहते हैं रसूल। आदमी गुमराह हो, गुमराही बीमारी है, तो नबी हिदायत देता है। झूठ बीमारी है, इस बीमारी की दवा सच है। जुल्मत बीमारी है, इस बीमारी की दवा रोशनी है। जुल्म बीमारी है, इस बीमारी की दवा इंसाफ है। नफरत बीमारी है, इस बीमारी की दवा मोहब्बत है। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। तो इन बीमारियों के खात्मे के लिए अल्लाह ने दवा भेजी और दवा के साथ साथ डॉक्टर भी भेजा। आदम से लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी और रसूल आए, एक बात और जहन में रखिएगा, कुछ नबियों और कुछ रसूलों का तस्करा उनके नाम से कुरान में है, मगर आए हैं दुनिया में इंसान को हिदायत की राह पे लगाने के लिए 1,24,000, कुछ कम या कुछ ज्यादा। और ये 1,24,000 अरब में नहीं आए हैं। कुरान कहता है वो लिकुल्ले कौमिन हाद, दुनिया में जहां जहां भी इंसानों की बस्ती थी, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमने अपना हादी, अपना डॉक्टर, अपना प्रिस्क्रिप्शन, अपनी किताब, अपना नबी, अपना रसूल न भेजा हो। कुछ के नाम हम जानते हैं, कुछ के नाम नहीं जानते। इसीलिए हम मुसलमानों को यह समझाया गया है कि हम किसी भी मजहब के रूहानी रहनुमाओं को, पूर्वजों को, बुजुर्गों को बुरा नहीं कह सकते। सुनिए इस्लाम क्या, इसलिए कि हर कौम में अल्लाह ने अच्छे लोगों को भेजा है इंसान को बुराइयों से बचाने के लिए। जो लोग जिन लोगों को मान रहे हैं, उनका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, अगर वही लोग थे तो सारा पाप तो हमारी किस्मत में आएगा। इसलिए एहतियात कीजिए कि किसी भी मजहब के बुजुर्ग को कभी बुरा मत कहिएगा। एक बात। दूसरी बात कि जब ये नबी आए तो नबी का कैरेक्टर क्या होता है। चूंकि बात यहां से चली है कि गुलाम अहमद कादियानी
ये कौन है गुलाम अहमद कादियानी, कादियान आपने सुन लिया, हमारे हजरत ने बहुत तफसील से बताया। पंजाब में एक कस्बा है, कादियान नाम है उसका, वहां एक सीढ़ी पैदा हुआ 1840 में, मर गया 1908 में, और नबी होने का दावा किया 1900 में। कुल 8 साल का नाटक था उसका, मगर ये नाटक वो तो खिलौना था, उस खिलौने के पीछे जो मदारी था वो तन का गोरा था, मन का काला था, जिसको अंग्रेज कहते हैं। उस मदारी ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया था। मैं गुलाम अहमद कादियानी का कैरेक्टर अब आपको नहीं बताऊंगा, उसका कैरेक्टर हमारे उलमा ने तफसील से बता दिया है। अब मैं नबी का कैरेक्टर आपको बताऊंगा, जिसने नबी होने का दावा किया, प्रॉफिट होने का, उसका कैरेक्टर तो आप लोगों ने सुन लिया। रोज एक लड़की चाहिए थी उसको, और वो जब मर गया तो उसका बेटा मिर्जा बशीरुद्दीन, रोजाना एक दर्जन लड़की चाहिए थी उसको, वो भी शराब पीता था, ये भी पीता था, असल में ये सारा खेल था अंग्रेज का। 1857 का इंकलाब, आप इसको गदर उदर मत कहा कीजिए, गदर कहते हैं गद्दारी करते हुए किसी भी इस्टेब्लिश गवर्नमेंट को उखाड़ने का, ये क्रांति थी 1857 की, नट गदर फेल हो गई, मगर बुनियाद के पत्थरों ने इमारत के लिए अपने को ईंट की तरह हिंदुस्तान की आजादी की नेव में हमेशा के लिए जमा दिया। अंग्रेजों ने हुकूमत किन से छीनी थी? मुसलमानों से। अंग्रेजों से पहले हिंदुस्तान में किसकी हुकूमत थी? मुसलमानों की। अंग्रेजों को सबसे ज्यादा इस मुल्क पर कब्जा करने के बाद डर किससे था? मुसलमानों से। साफ सीधी बात है, 100-150 साल तक हुकूमत करने वाला अंग्रेज साल के अंदर उसकी कैबिनेट सिर्फ एक बार हिंदुस्तान आई है, वहां बैठ के हुकूमत कर रहा था। 22,000 अंग्रेज कुल हिंदुस्तान में थे, 23,000 भी नहीं थे, हिंदुओं मुसलमानों सबको गुलाम बना लिया। अब उसके बाद जब उन्होंने ये देखा कि ये तो साहब बड़े ताकतवर हैं, ये गोली बारूद से डरने वाले नहीं हैं, तो मौलाना ने हमारे तफसील से बताया, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। उन्होंने रिसर्च वसर्च करने के बाद ये कह दिया कि साहब यहाँ का हिंदू मुसलमान जो है ये बड़ा ही भक्ति करने वाला है, कैसा भी बाबा हो हमारा हिंदू भाई उसके पीछे जय बाबा की करता हुआ चला जाता है, कैसा भी नालायक पीर हो हाथ पैर चूमने में मुसलमान किसी से पीछे नहीं। तो हमारी सरिश्त को, हमारे नेचर को पहचाना था अंग्रेज ने, उसको हुकूमत करनी थी, सोने की चिड़िया को लूटना था, इसलिए उसने तय किया कि यार देखो इनको किस तरह लड़ाया भिड़ाया जा सकता है। मौलाना ने तफसील से बताया, मैं उसको छोड़ता हूं, लड़ा दिया। याद रखिएगा कि हिंदुस्तान का हिंदू और हिंदुस्तान का मुसलमान मजहब के नाम पर कभी नहीं लड़ा है। अब मैं मिसालें दूंगा आपको, जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की नफरत मजहब की बुनियाद पे हुई, गलत बोलते हैं। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान का हिंदू, हिंदुस्तान का मुसलमान मजहब के नाम पर एक दूसरे से नहीं लड़ा, तो फिर इन दोनों में नफरत कैसे हो गई, फिर इन दोनों में फसाद कैसे हुआ, फिर ये दोनों एक दूसरे की गर्दन क्यों काटने लगे, फिर ये दोनों एक दूसरे से लड़ने झगड़ने क्यों लगे, कोई तो वजह होगी। हर दौर में हुकूमत करने वालों का कोई मजहब नहीं होता, याद रखिएगा, नेता लोगों का धर्म सिर्फ नेतागिरी है और कुछ नहीं।
18 साल तक सियासत को इबादत के रूप में करते हुए उबैदुल्ला आजमी ने पार्लियामेंट के अंदर हर पार्टी के नेता की पोच उठाई है, कोई नर नहीं मिला, सब मादा मिले। कहता हूं सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। तो फसाद कौन करवाता है? नेता, हाकिम। अगर उसका फायदा हिंदू है, हिंदुओं को बर्बाद करके कुर्सी मिलेगी, वो हिंदुओं को बर्बाद कर देगा। अगर उसका फायदा मुसलमान है और मुसलमानों को बर्बाद करके कुर्सी मिलेगी, मुसलमानों को बर्बाद कर देगा। इसलिए याद रखिएगा कि जितना भी हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ या होता है, आप मत लड़ा करो, आपको लड़ाया जाता है। आपके बच्चे यतीम होते हैं, इनके बच्चे इंग्लैंड जाके पढ़ते हैं। आपके बच्चों को खाना नहीं मिलता है, इनके कुत्ते बिस्किट खाते हैं। इसलिए अब मैं उसके उदाहरण दे दूं। आप महाराष्ट्र चले जाइए, मैं भी बंबई से आया हूं, महाराष्ट्र जाइए। महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम का क्या चक्कर है भाई? शिवाजी और औरंगजेब, हिंदुओं के लीडर शिवाजी, मुसलमानों के लीडर औरंगजेब। और इसको धार्मिक रंग दे दिया गया, हिंदू धर्म से लड़ने वाला औरंगजेब और इस्लाम से लड़ने वाला शिवाजी। खुदा की कसम, इससे बड़ा झूठ नहीं। सुनो, शिवाजी भी हुकूमत कर रहे थे, पावरफुल आदमी थे, ताकतवर थे, लड़ाकू थे। उनके बॉडीगार्ड कितने थे? 12। वो बोल रहा हूं जो छपा है, मैं कभी वो नहीं बोलता जो छुपा है। जो छपा है वो बोल रहा हूं। शिवाजी के 12 अंग रक्षक थे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो अंग रक्षक से बड़ा मुहाफिज तो किसी का कोई नहीं हो सकता। जितने लोग चल रहे हैं, जो चला उसके पीछे दो बंदूक वाले चल रहे हैं। दया किससे डर है भाई? जंगल के शेर से नहीं, अपने वोटर से डर है। क्यों? आए थे ईमानदारी की कसम खा के। अब हम उसको लूट चुके हैं, वो हमको पहचान चुका है, किसी दिन ठाए 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 कर देगा। 12 अंगरक्षक थे शिवाजी महाराज के। अच्छा, उन 12 अंगरक्षकों में 7 मुसलमान थे। सुनिए, तो शिवाजी के मुहाफिज मुसलमान और औरंगजेब दादा के मुहाफिज छत्री राजपूत दरबार। राजा जयसिंह औरंगजेब की फौज के सिपा सालार सेनापति हिंदू। तो औरंगजेब के सेनापति हिंदू और शिवाजी के सेनापति मुस्लिम। और तारीख क्या बनाई जा रही है? हिंदू मुस्लिम जंग थी। अरे काहे की हिंदू मुस्लिम जंग थी? राज की जंग थी। राजा ये सब नहीं देखता, ये तो हमारे जैसे बेवकूफ लोग हैं जो फंसते हैं। अब आइए, औरंगजेब का के नाम का रोड मोदी जी की कृपा से दिल्ली में तब्दील हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब सुना है कि अकबर द ग्रेट, उनके नाम का अकबर रोड भी तब्दील होने जा रहा है और महाराणा प्रताप के नाम से वो रोड स्थापित होने जा। चलो वो भी कर लो, हमें क्या लेना देना। अकबर कोई हमारे पीर पैगंबर थे? निजामुद्दीन औलिया की तरफ देखोगे तो इस मुल्क का हिंदू भी तुम्हारी आंख निकाल लेगा और मुसलमान। औरंगजेब हमारा पूर्वज नहीं, अकबर हमारे पूर्वज नहीं, हमारे पूर्वज हाजी पीर हैं, हमारे पूर्वज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं,
हमारे पूर्वज सुल्तान निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही हैं, साबिर कलियरी हैं। अच्छा क्यों भाई? अकबर मुसलमान, पृथ्वीराज हिंदू, लड़ाई इस्लाम मुसलमान की बना दी गई, इस्लाम और हिंदू की। अरे भाई, अकबर के सेनापति कौन थे? राजा मान सिंह, हिंदू थे कि मुसलमान? और महाराणा प्रताप के सेनापति मुसलमान थे? किधर हिंदू मुस्लिम? एक बात और सुनो, शिवाजी और अफजल खान से मौलाना जब मुलाकात तय हुई, अफजल खान औरंगजेब के नुमाइंदे थे, मुलाकात तय हुई कि सरहद के झगड़े को निपटाया जाए, तो अफजल खान ने एक जगह तय किया। शिवाजी में और अफजल खान में सहमति हो गई। अफजल खान ने कहा कि ना तुम तलवार लेके आओगे ना मैं तलवार लेके आऊंगा, जब बातचीत करनी है तो तलवार का क्या काम है बीच में। शिवाजी ने कहा ठीक है। ये जब अपने घोड़े पे बैठे तो इनका जो सबसे विश्वास पात्र मुहाफिज था, अंगरक्षक, बॉडीगार्ड, उसने कहा महाराज जरा घोड़े से नीचे उतरिए। शिवाजी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मुझे घोड़े से क्यों नीचे उतार रहा है, मगर चूंकि बॉडीगार्ड था, हर खतरे से बचाना उसका काम है। उतरे, पूछा हां कहो क्या है। कहा महाराज जी बताइए कि आपकी हाइट कितनी? तो शिवाजी ने कहा मेरी हाइट पूछ के क्या करोगे भाई? कहा नहीं, मुझे चाहिए आपकी हाइट कितनी है, बताइए, मैं आपका अंगरक्षक। कहा 5 फुट 7 इंच। और कहा जिससे मिलने जा रहे हैं अफजल खान से, उसकी हाइट कितनी? कहा 7 फुट। कहा तलवार किधर है आपकी? कहा तलवार की क्या जरूरत, हम दोनों में तय हुआ कोई तलवार लेके नहीं आएगा, खाली हाथ आएंगे बात होगी। कहा महाराज ये गलती मत कीजिए। तो उनका मैं तो तलवार लेके नहीं जाऊंगा, मगर तुम कह क्यों रहे हो ऐसा, तुमको क्या खतरा लग रहा है? उसने कहा खतरा, टोटल खतरा, आप हैं 5 फुट के, वो है 7 फुट का, दोनों रहेंगे, आप हैं मराठा तो वो भी है पठान, ऐसे हाथ बढ़ेगा उसका और आपकी गर्दन पे आएगा और मरोड़ के फेंक देगा आपको, इसलिए इस खतरे से बचने के लिए अपनी संगूठी में एक हथियार हुआ करता था जो खुल जाता था, ये मैं दे रहा हूं खतरे से बचने के लिए, इसको लगा लिया कि वक्त पे काम आए, और वही हथियार शिवाजी के काम आया। उसी से अफजल खान के पेट में उन्होंने उस खंजर को घोंपा था। अब आप बताओ मुझे कि शिवाजी की जो हिफाजत कर रहा था उसका मजहब क्या था? ये जिस अंग रक्षक ने इस तरह से शिवाजी को आगे की खतरे की घंटी से बचाया था, उनका वो अंग रक्षक सबसे विश्वास पात्र मुसलमान था। किधर हिंदू मुस्लिम भाई? तो पहले इस चीज को समझिए, कहीं भी आप चले जाइए, इंदिरा गांधी हिंदू थी, मारा किसने, मुसलमान था क्या? गांधी जी हिंदू थे, मारा किसने, मुसलमान था? राजू गांधी हिंदू थे, मारा किसने? तो पता ये चला कि ये धर्म की लड़ाई यहां कभी नहीं रही, यहां लड़ाई रही सत्ता की, यहां लड़ाई रही ताकत की, यहां लड़ाई रही कब्जे की। फिर आज का ये जो ग्रेट हिंदुस्तान है हमारे सामने, हिंदुस्तान को सबसे बड़े हिंदुस्तान की तस्वीर का जो नक्शा प्रैक्टिकल में किसी ने दिया था उसका नाम था औरंगजेब। इतना बड़ा हिंदुस्तान किसी के जमाने में नहीं था जितना बड़ा हिंदुस्तान औरंगजेब ने दिया था हिंदुस्तानियों को। मगर आज की सोच में और कल की सोच में बड़ा फर्क था। आपका ये भुज है ना,
मैंने सुना कि यहां का जो के जो दरबार थे उनका भी सिपहसालार मुसलमान था, मुझे नहीं पता है ना, तो अब मुझे बताओ तो ये क्यों बेवकूफी हो रही है भाई हिंदू मुस्लिम के नाम पर। जो लोग इस तरह का काम करें समझ जाना कि जिस तरह अंग्रेजों का दलाल था गुलाम अहमद कादियानी, ऐसे ही सत्ताधारियों के दलाल हैं वो जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर तुम्हें लड़ाते हैं और तुम्हें अलग करते हैं। ये चंद बातें थी जो मैंने आपको बताई कि अब करना क्या चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में भी बहुत ललकारा और मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, यहां भी कह रहा हूं कि याद रखिएगा इस मुल्क में दो बड़ी कौमें हैं और दोनों मार्शल कौमें हैं, एक का नाम हिंदू दूसरे का नाम मुस्लिम। मजहब अलग है, मुल्क तो एक है ना, कल्चर तो एक है ना, खान पान तो एक है ना, आखिर वो चीज देखकर नफरत क्यों की जाए जो एक है, उन तमाम चर चीजों को देखकर क्यों ना मोहब्बत की जाए जो अनेक है और सबके साथ है। इस बात पे झगड़ा कीजिएगा कि आधा बोतल पानी है भरा नहीं है इसलिए नहीं मानेंगे प्यास, अरे भाई तो आधा तो है तो आधा मानोगे कि नहीं मानोगे। कल्चर एक, तहजीब एक, तौर एक, तरीका एक, खान एक, पान एक, लेना एक, देना एक, बिजनेस एक, विश्वास एक। सैकड़ों हिंदू भाइयों को जानता हूं मैं जो करोड़ा करोड़ रुपया मुसलमानों के यहां न खाता न बही, जो मुसलमान कहे वो सही, और सैकड़ों मुसलमानों को मैं जानता हूं जो हिंदुओं के अपना पैसा दे देते हैं बिना लिखे पढ़े, न खाता न बही, जो हिंदू भाई कह दे वो सही। क्या है ये? इतने दिनों के विश्वास को जो तोड़ा जाता है, इस तोड़ने की वजह राजपाट है, सत्ता है, हुकूमत है, और राजपाट में बाप बेटा नहीं देखा जाता, भाई बहन नहीं देखा जाता। सबसे बड़ी चीज राज देखी जाती है। इसीलिए मैंने कल कहा था, आज भी कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू मुसलमानों सुनो, हिंदू भी एक कौम है बड़ी और मार्शल कौम है, मुसलमान भी एक कौम है बड़ी और मार्शल कौम है। तो अब इकट्ठा रहने का तरीका हमारा क्या हो? हिंदू शुरू होता है हा से, मुस्लिम शुरू होता है मां से। हिंदू का हा वहां से निकालो, मुस्लिम का मां यहां से निकालो, दोनों को जोड़ो तो बनता है हम। हम बनकर रहो ताकि मजबूत हिंदुस्तान बना रहे। चूंकि इस जलसे का उन्वान इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी है, और तहरीके तहफुजे खत्मे नबूवत भी है। एक पार्ट बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों ने बयान कर दिया है, इसलिए मैं जरा सा मौलाना दूसरे पार्ट की तरफ आया है ना, क्योंकि मकसद पूरा हो गया और जरूरी नहीं कि एक ही बात को बार बार दोहराया जाए। तो अब देखिए कि इस मुल्क में क्या था, हिंदुस्तान का कंसेप्ट कभी ये नहीं था जो आज है। राजाओं के जमाने में हिंदुस्तान का कंसेप्ट ये नहीं था, भुज का राजा जहां तक उसका राजवाड़ा वहीं तक का हिंदुस्तान, उसको कुछ लेना देना नहीं था अहमदाबाद से। अजमेर का राजा जहां तक उसका राजपाट वहीं तक उसका मुल्क, ये हमारा मुल्क है वो तुम्हारा मुल्क है, यानी दिल्ली तुम्हारा मुल्क है, गुजरात हमारा मुल्क है, फलाना हमारा मुल्क है, ढिकाना हमारा मुल्क है। तो ये थे राजे, आ गए बाबर साहब। तो अब मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता कि बाबर को बुलाया था किसने, हिस्ट्री है मेरे सामने। हिंदुस्तान का रास्ता बाबर को दिखाया था किसने, बड़ी कड़वी हिस्ट्री। मगर बाबर आके यहां लड़े किससे? बाबर यहां आके लड़े इब्राहिम खान लोधी से। हुकूमत किससे छीनी बाबर ने? इब्राहिम खान लोधी से छीनी। अब पूरे हिंदुस्तान के वो बादशाह हो गए, राजा हो गए। इस मुल्क में दो ही थे, एक नवाब एक राजा। नवाब ऑफ जूनागढ़, गुजरात की भी मिसाल दे दूं, तो दो थे इस मुल्क में, राजा
और नवाब, और ये दोनों हुकूमत करते थे अपने अपने इलाके में। ये जब मुगल आए, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में हर राजा को अपनी तलवार से सीधा किया और पूरे मुल्क के राजाओं से यह मनवा लिया कि हम महाराजा, इसलिए तुम्हारे राजपाट में हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तुम अपनी फौज रखो, अपनी पुलिस रखो, अपना कारोबार करो, हमसे कोई मतलब नहीं। बस साल में हमारा इतना टैक्स हमको दे दिया करो और महाराजा मानो। भाई यही था, पूरे मुल्क ने उनको महाराजा माना। अब ये राजा वो महाराजा, ये नवाब वो महानवाब। मुसलमान नवाब भी टैक्स दे, हिंदू राजा भी टैक्स दे, देते रहे। एक कहानी आती है औरंगजेब की क्या कहें, एक कहानी तो ऐसी है कि वो जोकराई लगती है, सरकसपना। औरंगजेब 1001 मन यानी 40 शेर जनेओ नाश्ता करने से पहले तौलता था। 40 मन जनेओ का क्या मतलब, जनेओ कैसे, एक पतला सा धागा ही ना होता है जो हमारा ब्राह्मण भाई बांधता है। तो 40 मन जनेओ रोजाना तौलता था और उसके बाद नाश्ता करता था, यानी इतने हिंदुओं को रोज मरवा देता था वो। तो ये तो जोक है, मगर लोगों ने अपने खान पान